व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पिक्सआर्ट एंड लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से हम किस तरीके से एकदम रियलिस्टिक मैनिपुलेशन बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं। इसमें जो मैं बैकग्राउंड का यूज करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बहुत ही इधर डाउनलोड कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको अपने फोटो को इसके अंदर ओपन कर लेना है। एंड आप देख सकते हो कि मेरे फोटो के अंदर जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अलग है। एंड अब जो है इस वीडियो में हम बैकग्राउंड को चेंज करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको अपने फोटो की बैकग्राउंड को कर लेना है रिमूव। मैं कर लेता हूँ अपने फोटो की बैकग्राउंड को रिमूव। सो गाइस, मैंने अपने फोटो की बैकग्राउंड को कर लिया है रिमूव। एंड अब करते हैं हम इस पर बैकग्राउंड ऐड। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले ऐड फोटो में जाना पड़ेगा। ऐड फोटो में जाने के लिए हमें अपने बैकग्राउंड को इसमें ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कर लेनी है हमें राइट क्लिक। राइट करने के बाद हमें दोबारा से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद जो अपने फोटो की बैकग्राउंड को रिमूव किया था उस वाले फोटो को अपने इसमें ऐड कर लेना है। इस फोटो कर लेते हैं हम इसमें ऐड सही तरीके से अपने फोटो के हिसाब से। एंड अब कर देते हैं राइट क्लिक। सो बिना कुछ ज़्यादा किए आपका फोटो बहुत ही इजी से एडिट हो जाता है। एंड एडिट होने के बाद आपको इस फोटो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इस फोटो को हमें लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन करना है। सबसे पहले आपको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद आपको अपने फोटो को इसके अंदर शेयर कर लेना है। फोटो शेयर करने के बाद आपको फोटो को कर लेना है ओपन। देख सकते हो फोटो मैंने कुछ इस तरीके से एडिट कर लिया है। एंड इसके बाद आपको सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मैग्निटी को बढ़ा देना है हल्का और डिजाइन बढ़ा देना है, क्लैरिटी भी बढ़ा देनी है। कलर मिक्सिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ऑरेंज कलर की लिमिटेशन बढ़ा देनी है और ग्रीन की सिचुएशन बढ़ा देनी है। एंड इससे अगला जो है उसकी भी सिचुएशन बढ़ा दे रही है, हाई माइनस पे कर दे रहा है। कलर मिक्सिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको इस वाले पे क्लिक करना है। एंड इसकी जो येलो कलर की सिचुएशन है इसको बढ़ा देना है, ग्रीन की सिचुएशन बढ़ा देनी है, इससे अगले वाले की सिचुएशन बढ़ा देनी है, हाई माइनस में कर देना है। एंड ऑरेंज कलर की इल्यूमिनेशन को बढ़ा देना है। इसके बाद कर देना है आपको डन। आप देख सकते हो आपका फोटो काफ़ी ज़्यादा सही बन चुका है पहले से और बिल्कुल रियलिस्टिक बैकग्राउंड चेंज आपकी लग रही है। बिल्कुल भी आपको पता नहीं चल रहा कि फ़ोटो में किस तरीके से बैकग्राउंड चेंज की है या नहीं की है। हल्का फुल्का एडिट करने के बाद भी फोटो काफ़ी ज़्यादा सही एडिट हो जाता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।